किसके लिए डिविजन के लिए तो दिस प्रूव माई सिक्स क्वेश्चन दैट डिविजन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन ठीक है नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन इज फाइंड अ नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई थर्टी टू विच वेन डिवाइडेड बाई थर्टी टू मतलब थर्टी टू क्या है डिवाइजर गिव्स द क्वेश्चन 26 तो क्वेश्चन 26 एंड द रिमाइंडर 4 रिमाइंडर 4 मतलब मुझे क्या फाइंड करना है डिविडेंड फाइंड अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड जिसको हम जब डिवाइड करेंगे किससे 32 से तो 32 बना डिवाइजर ये तो ऑलरेडी आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चनट है और ये रिमाइंडर है तो व्हाट आई हैव टू फाइंड आई हैव टू फाइंड डिविडेंड तो स्टार्ट डूइंग इट डिवाइजर इज इक्वल टू थर्टी टू क्वेश्चन टू ट्वेंटी टू फोर क्यू इज आर इज इक्वल टू थर्टी टू क्यू इज ट्वेंटी टू वाट तो क्या करेंगे ये सारे वैल्यूज डिविजन एल्गोरिदम में सब्सटीच्यूट करेंगे तो डिविजन एल्गोरिदम क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो करो डिवाइजर क्या है थर्टी टू इंटू क्वेशन क्या है ट्वेंटी सिक्स थर्टी टू इंटू ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर रिमाइंडर क्या है फोर प्लस फोर तो थर्टी टू इंटू ट्वेंटी सिक्स इज एट थर्टी टू एट थर्टी टू प्लस फोर इज एट थर्टी सिक्स रिक्वायर्ड नंबर इज़ एट थर्टी सिक्स या जो मेरा डिविडेंड आया वो एट थर्टी सिक्स है मुझे क्या फ़ाइंड करना था मुझे फ़ाइंड करना था ऐसा नंबर जो जब थर्टी जिसको जब हम थर्टी टू से डिवाइड करेंगे मेरा क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स आया आ, आना चाहिए और रिमाइंडर मेरा फोर आना चाहिए तो मैंने डिविजन एल्गोरिदम्स में वैल्यूज़ फिट किए वैल्यूज सब्सटूट किए और मेरे पास डिविडेंड आया एट थर्टी सिक्स हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज़ एट थर्टी सिक्स एथ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर यू विल डू इट यूर सेल्फ आई एल एक्सप्लेन क्या कह रहा है फाइंड अ नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई फिफ्टी सेवन मतलब ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको जब हम फिफ्टी सेवन से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा थर्टी नाइन और रिमाइंडर क्या आएगा सेवन तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है डिविडेंड गिवन क्या है मुझे डिवाइजर डिवाइजर इज इक्वल टू फिफ्टी सेवन क्वेश्चन इज इक्वल टू थर्टी एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू सेवन तो आप फिर ये सारे वैल्यूज डिविजन एल्गोरिदम में सबस्टिट्यूट करोगे डिविडेंट इज इक्वल टू डिजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर डिवाइजर आपका ये है क्वेश्चन आपका ये है और रिमाइंडर आपका ये है तीनों की जब आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा डिविडेंड नाम टू क्वेश्चन नंबर नाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना इफ़ वन नंबर इज इतना व्हाट इज द अदर नंबर तो ऑलरेडी आप फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी जब प्रोडक्ट दिया गया हो वन नंबर दिया गया हो तो सेकेंड नंबर किसके इक्वल टू होता है तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एटी एट वन नंबर इज वन ट्वेंटी थ्री देर फोर अदर नंबर इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई वन नंबर है ना ये थी ना फार्मूला अदर नंबर इज प्रोडक्ट डिवाइडेड में तो प्रोडक्ट क्या था ये वन नंबर क्या था ये तो इसको डिवाइड करो आंसर क्वेश्चन आया फोर फिफ्टी सिक्स क्या आया क्वेश्चन फोर फिफ्टी सिक्स तो जो ये क्वेश्चन है ये मेरा क्या बनेगा अदर नंबर हैंस अदर नंबर इज फोर फिफ्टी सिक्स अब अगर अब आप देखोगे ये अदर नंबर है फोर फिफ्टी सिक्स वन नंबर क्या है वन ट्वेंटी थ्री अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए इसके बराबर मीन्स दैट इज चेकिंग में आंसर अगर मुझे अपना आंसर वेरीफाई करना हो तो मैं वन नंबर को टू नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी वन ट्वेंटी थ्री को फोर फोर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करूँगी और आंसर मेरा ये आएगा ठीक है क्वेश्चन ईजी था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जैसे हम सम और डिफरेंस वाले में भी करते थे जब मुझे सम दिया गया होता था वन नंबर दिया गया होता था तो सेकेंड नंबर फाइंड करना होता था तो मैं क्या करती थी फॉर्मूला यूज़ करती थी कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू सम माइनस वन नंबर और सिमिलरली जब मुझे अब या इस मैं इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट दिया गया है और वन नंबर दिया गया है तो फार्मूला कौन सी यूज़ होगी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वन नंबर किस लिए अदर नंबर फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट को वन नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आएगा अदर नंबर अदर नंबर इज फोर क्वेश्चन ऑन डिवाइडिंग इतना बाय इतना इसका मतलब क्या हुआ इसको जब मैं इससे डिवाइड कर रही हूं तो ये क्या बना डिविडेंड ये क्या बना डिवाइजर द रिमेंडर इज फिफ्टी एट फाइंड द कोशन क्या करना है मुझे क्वेश्चन कर ऑन डिवाइडिंग थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव बाई वन नाइनटी नाइन दैट मीन्स वेन आई डिवाइड दिस बाई दिस आई गेट रिमाइंडर दिस तो ये क्या बना डिविडेंड ये क्या बना डिवाइजर और ये रिमाइंडर है ये और मुझे क्या फाइंड करना है क्वेश्चन और ये भी कैसे होगा डिवीजन एल्गोरिथम से तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट डिविडेंट इज इक्वल टू सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव डिवाइजर इज इक्वल टू वन नाइंटी नाइन रिमेंडर इज इक्वल टू फिफ्टी एट एंड कौशन आई हैव टू फाइंड आउट तो वॉट विल आई डू आई स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज इन टू द डिविजन एलगोरिदम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू प्लस आर तो डिविडेंड किसके बराबर है सिक्स टू थ्री फोर फाइव इज इक्वल टू वन नाइंटी नाइन इंटू क्यू क्यू क्यों क्यों क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है वन नाइन्टी नाइन इंटू क्यू प्लस फिफ्टी एट अब मुझे क्यू फाइंड करना है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी साइड चेंज करूंगी ये इक्वल टू का राइट हैंड साइड और ये इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड तो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाऊंगी और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब मैंने लिखा वन नाइनटी नाइन इंटू प्लस फिफ्टी एट इज इक्वल टू सिक्सटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव नहीं पड़ता ना फर्क हमने पहले भी किया है कि अगर हम साइड तो चेंज कर सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अब मैंने लिखा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ठीक है तो लिखा वन नाइन्टी नाइन इंटू क्यू प्लस मुझे क्या करना है इस क्यू क्यू वैल्यू फाइंड करनी है तो नाउ I'll start transposing the numbers to this right side. जितने भी numbers इस side left hand side में या इस Q के side वाले में numbers हैं उनको मैं transpose करूँगी किस side में right hand side में लेकिन जब मैं numbers को transpose करूँगी तो वो क्या करेंगे अपनी sign change कर देंगे तो पहले मैं ये इस 58 को ट्रांसपोज करूँगी तो लिखा मैंने 199 नाइनटी नाइन इंटू क्यू इज़ इक्वल टू सिक्स टू थ्री फोर फाइव और जब ये 58 एट मैं यहाँ लाऊँगी तो ये क्या बनेगा माइनस फिफ्टी एट क्यों क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में था प्लस फिफ्टी एट जब हम नंबर्स ट्रांसपोज करते हैं तो वो अपनी साइन चेंज करते हैं प्लस बनता है माइनस माइनस बनता है प्लस मल्टीप्लीकेशन बनता है डिवाइड और डिवाइड बनता है मल्टीप्लीकेशन ये आप यू ऑलरेडी नो दिस तो 199 नाइन्टी नाइन इंटू क्यू इज़ इक्वल टू सिक्सटी माइनस फिफ्टी और ये माइनस फिफ्टी एट कहाँ से आया जब मैंने इस 58 को इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करते टाइम क्या होगा ये अपनी साइन बदल देगा तो अब मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूँगी किसके बराबर आया वो सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एटी सेवन दैट मीन्स वन नाइनटी नाइन इंटू क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एटी सेवन लेकिन मुझे क्यू की वैल्यू फाइन करनी है तो क्यू किसके बराबर होगा क्यू इज इक्वल टू सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एटी सेवन डिवाइडेड बाई वन नाइन्टी नाइन क्यों क्योंकि मुझे तो जितने भी नंबर्स इसके साथ जुड़े हैं मुझे वो वन बाई वन इस साइड ट्रांसपोज करने हैं तभी इस क्यू की वैल्यू आएगी और ट्रांसपोज करते टाइम क्या होगा जितने भी नंबर्स इस क्यू वाले साइड में हैं वो अपनी साइन चेंज कर देंगे तो क्यू के साथ 199 क्या था 199 नाइन्टी क्यू तो जब मैं इस 199 को इधर ट्रांसपोज करूँगी तो ये अपनी साइन बदल कर डिवाइड होगा तो लिखा मैंने 62,287 डिवाइडेड बाय 199 क्यों किसके बराबर है 62287 डिवाइडेड बाय 199 दोनों को डिवाइड करके आंसर मेरा आया 313 हैंस कोशेंट इज 313 तो क्या ये जो क्यों था ये क्या था ये कोशेंट था सो डन नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज आल्सो सेम यू विल डू इट योरसेल्फ इसमें भी क्या दिया है आपको द नंबर थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी सिक्स वेन डिवाइडेड बाई नाइन्टी टू गिवज द रिमेंडर सिक्सटी सेवन फाइन द कोशन इसमें भी आपको क्या फाइन करना है क्वेश्चन क्या दिया है डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल टू थर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी सेवन डिवाइजर इज इक्वल टू नाइंटी टू एंड रिमेंडर इज इक्वल टू सिक्सटी सेवन एंड यू हैव टू फाइन द कोशंट सो स्टेप्स सिमिलर ही रहेंगे आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस आर करोगे उसमें जो जो वैल्यूज जिस 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 की वैल्यू दी है उसको सब्सटूट करोगे और वन बाय वन स्टेप्स इसी क्वेश्चन के स्टेप्स फॉलो होंगे क्योंकि इसमें भी क्या मुझे दिया था किस क्वेश्चन के टेंथ क्वेश्चन के इसमें भी मुझे डिविडेंड दिया था डिवाइजर दिया था रिमाइंडर दिया था और क्वेश्चन फाइंड करना था स्टेप्स सेम ही फॉलो होंगे ठीक है So, we are done with exercise number 2.5. I'll start with exercise number 2.6 in your next video.